दोस्तों 2000 वाला गुलाबी गुलाबी नोट बंद हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस नोट को लाने के लिए करोड़ों लोगों को लाइनों में लगा दिया गया था। लाखों करोड़ लोग जो है लाइन में लग रहे थे ताकि उनका नोट जो है वो बैंक में जमा हो जाए और नया नोट ले सके। कईयों की तो जान भी लग चली गई थी दोस्तों लाइन में लगते हुए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने उफ नहीं किया कि इस नोटबंदी से लोगों का क्या बुरा हाल हो रहा था, लोग कितने परेशान थे। मोदी जी आए और रात के 8 बजे कह गए कि भाइयों और बहनों, 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं वो बंद हो चुके हैं और इस नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों पर प्रहार होगा। काला धन विदेश में जमा है उसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन उस दिन से लेकर आज का दिन है दोस्तों, कौन सा काला धन आया किसी को पता नहीं है। इस उपलब्धि के बारे में ना आपको बताया गया और ना ही हमें, और अब तो मंचों पर भी इस उपलब्धि के बारे में जिक्र नहीं किया जाता है कि नोटबंदी से भैया किसका फायदा हुआ था, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि काला धन कितना विदेश से वापस आया और कितना भ्रष्टाचारियों पर प्रहार हुआ। खैर, वो तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था जो देश की जनता के दिलों में आज भी स्ट्रोक बन बन कर उफान मारता है कि आखिर नोटबंदी क्यों की गई थी, क्यों देश के लोगों को रोड पर लगा दिया गया था, लाइनों में लगा दिया गया था। और तो और, हमारे देश की ईमानदार मीडिया तो इस नोटबंदी के फायदे गिनाने में लग गई थी। श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी ने तो इस गुलाबी नोट के बारे में कह डाला था मीडिया के अंदर, खबरों के अंदर, कि ये तो चिप वाला है, चिप वाला ज्ञान देने लग गए थे। कैसे कहने लगे कि इस चिप वाले नोट में, जो इस नोट में चिप लगा है, इससे काला धन वापस आ जाएगा, इससे सिग्नल मिलेगा और कब्र खोद करके भी इस नोट को वापस ले लिया जाएगा। अब इन्हीं जानकारों पर रविश कुमार ने दोस्तों चुटकी ले ली है और लिखा है उन्होंने कि बस इतना बता दीजिए कि 2000 के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है, निकाल के गोदी मीडिया के मालिक को दे देना है या अपने पास रख लेना है, बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कराइए, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक है भाई लोग? इस तरीके से रविश कुमार ने ये जो चिप वाली थ्योरी थी इस पर बड़े मज़े से चुटकी ले गए। दोस्तों, किस तरीके से गोदी मीडिया के जरिए आप लोगों को बताया जाने लगा कि इस नोट में चिप लगा है, इससे भ्रष्टाचारियों पर प्रहार होगा। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने ये घोषणा किया कि कैसे जो है 2000 नोट का सर्कुलेशन अब बंद होने वाला है, 30 सितंबर तक जो है बैंकों में जाकर जिनके पास भी गुलाबी नोट है, यानी कि 2000 वाले जो नोट है वो आप एक्सचेंज कर लीजिए, इसको भी गोदी मीडिया उपलब्धि बता रहा है। और कमाल की बात है कि सुधीर और श्वेता इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर आखिरी प्रहार। गजब बेशर्मी वाली बातें करते हैं दोस्तों, गजब बेशर्म लोग हैं ये लोग, कि लोगों को इन्होंने उल्लू समझ रखा है, उल्लू बनाने का ठेका ले रखा है कि कैसे जनता को हर बात पर उल्लू बनाना है। आज तक इनके मुंह से नहीं निकला कि ये सवाल पूछ सके कि आखिर जो है इतने करोड़ों लोगों को लाइन में लगा दिया गया था, आपको हम सबको लाइन में लगना पड़ा था कि हमारे पास जो पुराने नोट है वो बदल कर हम जो है नए नोट ले ले, और उस नोट को फिर से बंद कर दिया जा रहा है 6 साल के बाद, और कहा जा रहा है कि 2000 का नोट जो है वो फिर से भ्रष्टाचारियों पर आखिरी प्रहार है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।